पे छिड़का है नमक। ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया इंग्लैंड को। पाकिस्तान, कुदरत का निजाम हमें दिख रहा है अभी। सो अभी बहुत सी चीजों के बारे में बात करने, अफगानिस्तान कल का मुकाबला जीत गई थी, तो एडिटर साहब बहुत सी चीजों के बारे में बात करने, फटाफट इंट्रो बजा दीजिए। पाकिस्तान द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन दिस वर्ल्ड कप। ये कभी किसी से हार जाएंगे, कभी किसी से जीतेंगे। कुदरत का निजाम हमें आखिर आखिर में दिखता है। जो लक है इस टीम के पास वो डिफरेंट लेवल का लक है। ऐसा अगर इंडिया के पास होता तो पिछले 10 साल में 2 वर्ल्ड कप हम जीत चुके होते। लेकिन बहुत ही अच्छा लक है पाकिस्तान का, मैं कहीं ना कहीं कहूंगा। और बहुत ही अच्छे लक के साथ अच्छी क्रिकेट भी हमें देखने को मिल रही है। फखर जमान ने बेहतर इनिंग्स खेली, सो वो मैच के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम अफगानिस्तान बनाम जो नेदरलैंड्स की मैच हुई थी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सो वो मैच अफगानिस्तान ने बेहतरीन तरीके से जीती, और मैं दिल से चाहता था कि वो मैच अफगानिस्तान जीते, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नेदरलैंड्स अफगानिस्तान की पार्टी बिगाड़े और उन्हें टॉप फोर में ना आने दे। क्योंकि आई रियली वांट अफगानिस्तान इन टॉप फोर, बिकॉज जो मुझे अगर कोई मुझे पाकिस्तान से भी ज्यादा डिजर्विंग लगती है कोई टीम तो वो अफगानिस्तान। अभी तो मुझे वो न्यूजीलैंड से भी ज्यादा डिजर्विंग लग रही, क्योंकि न्यूजीलैंड यार क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आप। अचानक से चार चार मैच हार गए, लगता है वो कुछ जादू टोना कर दिया है अचानक से। लेकिन जो टीम टॉप टू पे थी, इंडिया जैसी गिनी जा रही थी कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लाइक इंडिया है, वो इंडिया से जब से मैच हारी है तब से एक भी मैच नहीं जीत पा रही है। सो क्या पता क्या हो गया है न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन अफगानिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली। इनके जो कप्तान है हसमतुल्ला शाहिदी, अगर नाम में मिस्टेक नहीं हो रही होगी तो, हसमतुल्ला शाहिदी बेहतरीन कप्तान है। पहले तो बेहतरीन बल्लेबाज थे नहीं, लेकिन अभी बन रहे हैं। आखिरी तक गेम को लेके जाते, आई लाइक दैट थिंग अबाउट हिम। आउट नहीं होते अगर उन्हें पता है मैं धीमा खेल रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट तक खेलूंगा, मैं अपनी टीम को जिता के जाऊंगा। और ये बाबर आजम को सीखना चाहिए। नो डाउट बाबर आजम इज नॉट अ ब्रिलियंट बैट्समैन, बट वो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं ब्रिलियंट बैट्समैन है, सो ही वुड बी अ ब्रिलियंट बैट्समैन। लेकिन आपको मैचेस आखिर तक लेके जाके फिनिश करनी होती है, जो कि बाबर आजम की मुझे मैचेस याद नहीं आ रही उन्होंने कब की होगी। बट फखर जमान, इन्हें तो फखर होना चाहिए खुद पे, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने इनिंग्स खेली है, बेहतरीन इनिंग्स, क्वालिटी इनिंग्स, अनस्टॉपेबल इनिंग्स, व्हाट मतलब कोई लग ही नहीं रहा था कोई गेंदबाज इन्हें रोक पाएगा। न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, पहले तो मैट हेनरी आपके टीम से बाहर निकल चुके हैं, लॉकी फर्गसन शायद से बाहर निकल चुके हैं। सो ये टीम आधी इंजरी के साथ खेल रही है। केन विलियमसन फ्रैक्चर थंब के साथ खेल रहे थे, मतलब फ्रैक्चर थंब से जस्ट वापस आए और अभी मैच खेल रहे थे। सो इंजरी वाली ये टीम है। टीम मतलब ऐसी नहीं है कि इट्स ऑल गोइंग ऑन द प्लेट, सारी चीजें अच्छे से जा रही है, इट्स नॉट लाइक दैट विथ न्यूजीलैंड फॉर नाउ। और केन विलियमसन आए, केन विलियमसन अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन क्यों मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है क्यों। अगर आप 90s पे है सो 100 पूरा कीजिए ना, क्योंकि दो बार रनआउट होते होते आप बचे और एक आध बार कैच छूटा, फील्डिंग खराब हुई। पाकिस्तान के साथ फील्डिंग की बातें मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। नो डाउट कैचिंग एफिशिएंसी उनकी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन स्टिल फील्डिंग में इंपैक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं नजर आता पाकिस्तान। लेकिन फाइनली वो दिल पाकिस्तान का बाना नहीं मिला है हमें, और पाकिस्तान के कोच ने एक और बाना दिया। मतलब ये कहां से आते हैं सारे बाने। पहले तो इस बार बाना दिया है कि मुझे हमें थोड़ा सा सफोकेटेड फील होता है जब भी हमें इतनी सिक्योरिटी मिलती है। सो देखिए, पहले तो आप पाकिस्तान की टीम है, सो आपको इंडिया में आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आ रहे थे वर्ल्ड कप में। अभी आपको सिक्योरिटी मिल रही तो आप बोल रहे कि हमें सफोकेटेड फील हो रहा है, हमें इतनी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मतलब क्या है? एकदम से आप वक्त बदल देते, हालात बदल देते, जज्बात बदल देते। समझ नहीं आता मुझे ये टीम के बारे में कुछ भी। मतलब ये टीम क्या टीम, मुझे कभी कभी हंसी आती है जब भी मैं इस टीम के बारे में बात करता हूँ, जब भी इनके वो आइडियोलॉजीज के बारे में मैं बात करता हूँ। अभी इनके जो फॉर्मल प्लेयर है उन्होंने भी एक बेहतरीन बयान दिया। उन्होंने बोला है कि इंडिया को अलग किस्म की बॉल मिल रही है इसलिए वो ज्यादा विकेट ले रहे हैं। इंडिया को जो गेंद आईसीसी प्रोवाइड कर रही है वो ज्यादा स्विंग हो रही है, और हम जिस गेंद से खेल रहे हैं वो स्विंग नहीं हो रही है। नहीं मतलब कोई हद होते बहाने देने की। आप मतलब अभी गेंद पे डाल देंगे कि अगर आपसे गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही तो आप गेंद का दोष नहीं दे सकते कि ये इंडिया वाली गेंद ज्यादा स्विंग हो रही है। सब एक ही गेंद से खेल रहे हैं। अभी अगर आपको बाने मिल नहीं रहे और आप कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके आ रहे हो सो पता नहीं, लेकिन आठवीं का जो बच्चा होता है वो ज्यादा अच्छे बाने दे देता है इससे। सो बहुत ही फनी बाने होते हैं। पहले तो पाकिस्तान
कि लेकिन अभी एक और मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया बना इंग्लैंड, वो आसानी से तो नहीं कहूंगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया करीबन हारने की कोशिश कर रही थी पूरी कि हम ये मैच को हार गए, लेकिन इंग्लैंड ये मुकाबले को हार गई। क्योंकि आप ये चीज में ये वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को बीट नहीं कर सकते मैचेस हारने में भी ये वर्ल्ड कप में इंग्लैंड सबसे ऊपर है, और शायद से ये चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने वाले या नहीं खेलने वाले पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 2019 का वर्ल्ड कप इनसे ले लेना चाहिए क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट इन्होंने दिखाई है, वर्स्ट डिफेंस एवर, वो तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट जॉस बटलर को क्या हो गया यार, मतलब इंडिया में आके बंदा खेलता ही नहीं है, क्या हो जाता है पता नहीं, लेकिन इंग्लैंड देयर इज नथिंग गोइंग राइट। मैं सरप्राइज नहीं होगा कि आप अपने बच्चों में मैचेस भी हार जाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई ना हो, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते। मैं कहता हूँ नेदरलैंड्स को करवा दो यार क्वालिफाई, कसम से बहुत ही वाहियात किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली, और आपका तो ये स्पोर्ट है यार, फिर भी ये किस्म की क्रिकेट, ये मजा नहीं आ रहा है देख के जरा भी। बेन स्टोक्स ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उनकी भी विकेट गिर गई। एडम जाम्पा यार बहुत, आप मतलब कितने डॉट बॉल्स खेले इंग्लैंड ने, लिटरली आपने करीबन 50% डॉट बॉल्स खेले, सो किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ही पता। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान मैनेजमेंट को कि फखर जमान को आपने शुरुआती मैचेस क्यों नहीं खेला है, नो डाउट फॉर्म नहीं था, आपने एक मैच ड्रॉप कर दिया, दो मैच तीन मैच इमाम भी फेल हुए थे ना, तो उसके बाद फखर को वापिस आप ला सकते थे। सो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट जो है ना पाकिस्तान की अलग किस्म की सोच रखती है, अलग किस्म की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखती है, जो कि 90% बार राइट होती नहीं है इनकी। क्योंकि फखर जमान यार ये एक ऐसा प्लेयर है ना, जिस दिन इसका दिन होगा ना उस दिन इज बेटर देन बाबर आजम, ये मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, इज बेटर देन बाबर आजम जिस दिन उसका दिन होगा। हाँ अभी उनके दिन होते कम है लेकिन जिस दिन होते ही इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल पाकिस्तानी बैट्समैन एवर इन लास्ट 10 ईयर्स आई कैन से यू, क्योंकि वो खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट। ही इज नॉट जस्ट लाइक हम प्रोटीन नहीं खाते, हम ये नहीं खाते तो हम सिक्स नहीं मार पाएंगे, क्योंकि हमने देखा इमाम उल्लक ने बाने दिए थे कि हम प्रोटीन नहीं खाते, हम कार्ब ज्यादा खाते इसलिए हमसे छक्के नहीं लग पाते। यार एक और अच्छा बाना, तीन तीन बाने तो मैं आपको अभी गिना चुका हूँ ये वीडियो में पाकिस्तान कैसे देती है। सो फखर जमान ऐसे बाने नहीं मारते, फखर जमान अच्छे तरीके से शॉट्स मारते और छक्के मारते, सो बेहतरीन फखर जमान को मैं कहूंगा, लेकिन अगले मैचेस में भी इन्हें ऐसा ही खेलना पड़ेगा। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये रॉबरी हो गई, ये मैच जीतनी नहीं चाहिए थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान, देखिए रॉबरी नहीं कहूंगा एक किस्म की, लेकिन ऐसे भी जीत जाती पाकिस्तान अगर ये मैच पूरी होती तो भी, लेकिन वो बोलते ना पाकिस्तान के साथ एक हिस्ट्री रही है कि ये कहीं ना कहीं गेम को बॉटल करना जानती है कि बॉटल कैसे करते हैं गेम को, सो शायद से मैच हार भी जाता अगर पूरी मैच होती। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी थी, और फाइनली अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान से देखने को मिली, उसमें बहुत ज़्यादा मजा आया। अभी मैं एक और चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा, हार्दिक पांड्या, वो बोलते ना जब कैंपेन एकदम बेहतरीन तरीके से जा रहा हो, एकदम स्मूथली जा रहा हो और आपको लगे कि हम वर्ल्ड कप जीतने वाले इंडियन फैंस को, वैसे ही एक झटका आ जाता है। हार्दिक पांड्या इज नाउ ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और रिप्लेसमेंट किसको आपने साइन किया है, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि गेंदबाज है, हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, सो ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं है। देखिए हार्दिक पांड्या जैसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है इंडियन टीम में, वो भी एक फैक्ट है, सो आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऐसे भी नहीं मिलनी है। अभी अगर मैं एक और चीज के बारे में बात करूं तो हार्दिक पांड्या 3-4 दिन पहले बोल रहे थे बहुत से लोग कि आ जाएगी सेमीफाइनल तक, सो मैंने भी अपने वीडियोस में कहा था कि सेमीफाइनल से अलग हार्दिक पांड्या वुड बी ऑल राइट, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि उनका लिगामेंट जो होता है वो टियर हो चुका है, सो इस चीज में समय लगता है बहुत ज्यादा, क्या पता 2-3 महीने के लिए रूल आउट हो जाए या और ज्यादा, सो समय लगता है जितना मुझे पता है लिगामेंट टियर में, सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस हार्दिक पांड्या वुड बी ऑल राइट। देखिए वर्ल्ड कप पे तो नहीं खेलने वाले इतना तो पक्का है, ही इज ऑफिशियली नाउ रूल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी, टू बी फेयर इनफ रिप्लेसमेंट की जरा भी जरूरत नहीं, वो लेना पड़ता है आपको, इसलिए आपने ले ली क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो आपको मिलने से रही। अभी शायद से आप अक्षर पटेल को आप ला सकते थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अक्षर टू कम, लेकिन अगर उन्हें कोई इंजरी है सो ही वुडेंट कम, सो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है ना, आपके 15 मेंबर की स्क्वाड में है वो 14 प्लेयर्स, अगर आप एक को निकाल दे फिर भी, अगर भगवान अगर किस्मत इतनी बदतर होगी तो शायद से एक प्लेयर और इंजर्ड हो जाए तो शायद से हमें जरूरत पड़े, और जरूरत पड़ेगी तो इंडिया शायद से बहुत ज्यादा बड़े नुकसान में आ जाए। अभी गेंदबाजी कौन करेगा वो रियल थॉट होगा, क्योंकि आप 5 गेंदबाजों से उतर रहे, अगर किसी एक का खराब दिन निकल गया ना सो
अगले 10 ओवर कौन डालेगा, छठवें गेंदबाज को 10 ओवर डालनी पड़ेगी, लेकिन छठवां गेंदबाज आपके पास है ही नहीं। सो वो एक सोच है, क्या विराट कोहली अपने हाथ घुमाएंगे गेंदबाजी से, क्या रोहित शर्मा अपने हाथ घुमाएंगे गेंदबाजी से, ये सारी चीज सोचने वाली है। लेकिन इंडिया यार जब लगता है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे तभी एक बुरी खबर आती है। अभी एक और बात, कल बर्थडे है किसका, चिकू द बॉय का, विराट कोहली का कल बर्थडे है, कल मैच भी है। सो कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 49वीं सेंचुरी देखने मिले, अरे मिले या ना मिले, बट कीप प्लेइंग विराट कोहली एज अ फैन, एज यू आर माई आइडल इंस्पिरेशन। सो आप कैसी भी क्रिकेट खेले, 0 पे आउट हो, 100 पे आउट हो, 50 पे आउट हो, वी वुड ऑलवेज होल्ड योर बैक, हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, जस्ट कीप प्लेइंग, क्योंकि क्या पता कि रिटायरमेंट कब आ जाए। सो फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय हिज बैटिंग, मुझे उसके हर एक मूवमेंट इंजॉय करने की, जो भी हो, 0 पे आउट हो, देन टू आई एम हैप्पी। यार खेलते रह तू, बेहतरीन खेलो आप, मैं तो कहूँगा। कोई भी हेटर्स का तो काम है हेट करना, लेकिन हैप्पी बर्थडे विराट कोहली सर, मैं कहूँगा पहले तो, और होपफुली कल सेंचुरी आ जाइए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई एम नॉट जिंक्सिंग एनीथिंग, मैं जिंक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आएगी तो भी मैं डिसअपॉइंट नहीं होगा, नॉट एट ऑल डिसअपॉइंट, वो थोड़ा सा होएगा कि दिल को ठेस पहुँचेगी, लेकिन एट लास्ट यार मैं बस इस बंदे की बैटिंग इंजॉय करना चाहता हूँ, दैट्स इट। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक एनी थिंग अबाउट इट, बिकॉज एक ऐसा बैट्समैन, एक ऐसी प्रिविलेज मिलना कि हमें इस बंदे की बैटिंग देखने को मिल रही है, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं देखना, मैं नहीं मतलब सोचना ही नहीं चाहता ज़्यादा चीज़ें, मैं सिर्फ ये बंदे को बैटिंग करते हुए देखना चाहता हूँ, कैसी बल्लेबाजी करेगा, वो सब इस पर है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिम बैट एंड इन्जॉय हिम वाइल बैटिंग। सो अभी मैं अगर आगे की बात करूँ, सो आगे अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया द मोस्ट अवेटेड मैच ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि हमने सोचा नहीं था होगा, लेकिन हो रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका मुझे नहीं लग रही थी टॉप फोर में, मेरे टॉप फोर में नहीं थी साउथ अफ्रीका, बट साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेली है इट्स प्रेटी गुड। लेकिन कल का मैच कौन जीतेगा, प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन, कल चिकू का बर्थडे है, विराट कोहली सर का बर्थडे है, सो इट्स प्रेटी गुड कि हम मैच भी जीत जाए, शतक भी देखने मिल जाए। इससे अच्छी फेरीटेल मैच नहीं होगी, इससे अच्छी फेरीटेल मैच नहीं होगी अगर शतक भी देखने मिल जाए, अगर वो 49वां सेंचुरी देखने मिल जाए और मैच भी आप जीत जाए, नो डाउट ऐसा मुझे थोड़ा सा लग नहीं रहा है होगा, लेकिन आई वुडंट जिंक्स एट ऑल, अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर देखने मिलता है तो बहुत अच्छे, लेकिन इंडिया कल का मुकाबला जीतेगी ये मैं आपको कह सकता हूँ, 8 में से 8 मुकाबले हम जीतेंगे, द मैन इन ब्लू वुड बी इन द टॉप ऑफ द टेबल, और शायद से हमें वानखेड़े में मैच खेलने मिल जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान आएगी तो वानखेड़े में मैच खेलने नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को शायद से वानखेड़े में अलाउड नहीं किया जाता है। सो पता नहीं अभी क्या होता है, लेकिन एक और बार हैप्पी बर्थडे माय आइडल, हैप्पी बर्थडे माय इंस्पिरेशन, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट फेवरेट प्लेयर ऑफ माइन, सो हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, एंजॉय द डे, कल बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करना, वी वुड जस्ट एंजॉय योर बैटिंग। सो आज के वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही था, वीडियो को लाइक कर दो और हैप्पी बर्थडे कोहली कमेंट्स में लिख दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और प्रेडिक्शन हमारी बहुत अच्छी जा रही है, स्कोर लगातार ऊपर जा रहा है, जब से 3-4 प्रेडिक्शन लगातार गलत गई थी उसके बाद 6-7 प्रेडिक्शन लगातार राइट चली गई, सो स्कोर ऊपर जा रहा है, प्रेडिक्शन अच्छी जा रही है। वीडियो मुझे छोटा करना था, लेकिन थोड़ी विराट कोहली की मैंने बातें की, थोड़ी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बारे में बातें की, तो वीडियो लंबा हो चुका है। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, तब तक के लिए बाय बाय।